वेलकम टू स्टडी माई वे 1221। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड पार्ट्स। इफ़ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो डेट स्टार्ट्स। तो इसमें हमारी थ्योरम है, हमारे रिमाइंडर थ्योरम है। तो इस रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी हम भी डिवाइड करते हैं किसी भी डिविडेंड को उसके डिवाइजर से, तो उसके बाद क्या बच जाता है, उसको एक प्रॉपर क्या नाम डिविडेंड बच जाता है। जैसे कोई भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। जिससे हम कर रहे हैं उसे डिविजर बोलते हैं, और जो भी हमारा डिविजन करके जो भी आता है वो क्वेश्चन बोलते हैं, वैसे नीचे रिमाइंडर आता है। अब इसके लिए जो पी कैसा है, यदि हम इसमें देखें मतलब पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल जो डिग्री होनी चाहिए, जो एन होनी चाहिए, वो हमारी मतलब एक से एक के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ए क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। और जो भी हम डिवाइड करें किसी भी लीनियर पेयर को, तो डिवाइडर भी वो हमारा रियली नंबर आएगा। तो जैसे हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करके। तो हमारा जैसे हमारा 3y³ फिर प्लस y³ और फिर प्लस आएगा हमारा सपोज करो y है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं y से। तो यदि हम इसमें y से इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो y है, तो y को मान ले लेते हैं, तो 3y² पर जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस बजेगा यहाँ पर 5 और फिर प्लस बजेगा 1। तो बटे कर देंगे y, तो y से y चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y² प्लस y और प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो y है इसका क्या है, एक फैक्टर है, क्योंकि इससे पूरी की तरह से वो संख्या डिवाइड हो गई है। हमारे डिवाइड करके आया 3y² और फिर प्लस आया y और फिर प्लस 1। तो ये क्या होगा, ये फैक्टर होंगे किसके, तो ये हो गया हमारे 3y³ फिर प्लस y² और प्लस y। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो इसका मल्टीपल है, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर होंगे, y हो जाएगा और 3y² प्लस y² तो इसको हम एक फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो ये हमारा है p, फिर हमारा x, फिर हमारा g, फिर हमारा आएगा x, फिर हमारा प्लस r और फिर हमारा प्लस आएगा x। तो p p वाली जो संख्या पी एक्स को क्या बोलेंगे, तो पी एक्स को बोल देंगे ये हमारा पूरा क्या होता है, डिविडेंड। पी एक्स जी एक्स, जी एक्स का क्या होता है, ये हमारा डिविजिबल, जिस संख्या से हम इसको डिविजिबल कर रहे हैं। और क्यू एक्स का मतलब हमारे कोसेंट्स, तो ये आएगा हमारा क्यू, ये जी है, ये हमारा आएगा कोसेंट्स। और आर एक्स, आर एक्स का मतलब क्या होगा, हमारा रिमाइंडर। तो एक हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक हमारा है लॉन्ग डिवीजन से देख लेते हैं किस तरह से हमारा इसमें मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। तो हमारे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारा है एक्स माइनस वन। तो इसमें किससे डिवाइड करें, सपोज करो हम इसमें डिवाइड करें वाई एक्स स्क्वायर, फिर हमारा प्लस 3x और प्लस 1। अब हमें जब इसको करना है कि पॉलीनोमियल में क्या होता है कि हमें इसको एक तरह से एक लीनियर एक्सप्रेशन, तो हम इसको डिवाइड करना होगा। तो अब हमें 3 - x और 4x², अब हमें x² चाहिए। अब जब हमें x² चाहिए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेगी जो x², इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इस एक्स माइनस वन इसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं, कि इसमें करते हैं हम 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, तो कितना आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x² और फिर कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस संख्या, क्योंकि 4x है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x। आप इसको कैसे करते हैं, अब प्लस वाले तो साइन इसमें हम बदल लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, इसका मतलब प्लस प्लस माइनस की संख्या कट जाएगी, तो माइनस है तो माइनस संख्या कट जाएगी है। अब प्लस माइनस प्लस और कितना आ जाएगा, तो मतलब संख्या जुड़ जाएगी, नीचे प्लस में आया तो 3 और 4 कितना आएगा, ये हमारा आएगा 7x आएगा। अब हमें ऊपर वाली संख्या प्लस 1 को कर लें, अब हमें इसमें क्या जोड़े कि हमारा 7x और प्लस 1 आ जाए, इसका मतलब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी हमारी किसकी, 7 की। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस 7 कर देंगे, प्लस 7, तो हमें कितना पड़ेगा 7x और माइनस कितना आ जाएगा हमारा 7। अब सेम वही संख्या, तो इसमें कर देंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, भाई प्लस माइनस माइनस के माइनस करना है, और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस प्लस तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा, ये हमारा px, px क्या होगा, px तो हमारा क्या होगा 4x² फिर प्लस 3x और प्लस 1।
हमारा यदि हम क्यू बोले जी एक्स, जी एक्स कितना आएगा एक्स माइनस वन, और हमारा क्यू एक्स आएगा कोसेंट्स, कोसेंट्स हमारा क्या आएगा 4x+7, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा आर एक्स आएगा हमारा 8। तो यही है इसमें, ये इसकी रिमाइंडर थ्योरम है। तो आगे चलते हैं इसमें हम, अब हमारा है फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें इसके नाम से पता चल जाता है कि फैक्टर होना, किसी भी चीज़ के फैक्टर होना। तो यदि हम नॉर्मल में देखें तो नॉर्मल में सपोज करो हमारा 6 है, तो 6 है तो 6 किसके मल्टीपाई आएगा, यदि हम इसके फैक्टर करने चाहें तो 1 के टेबल में 6 आएगा, या फिर हमारे 2, 2/3 और 2 3 6 इसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और किस में आएगा 6 की टेबल में आएगा। तो हम इसमें क्या करें कि हम इसका मतलब ये क्या है, इसके फैक्टर है 6 के, भाई 1 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। लेकिन यदि हम पॉलिनोमियल में देखें तो पॉलिनोमियल में हम क्या होते हैं कि जो भी फैक्टर होने चाहिए तो वो क्या एक्स माइनस ए, मतलब ए किसी भी एक रियल नंबर में हो सकता है। तो हमारे क्यू एक्स तो क्या होगा, पॉलिनोमियल डिग्री है भाई, एन एन के बराबर होना चाहिए या एन के इक्वल होना चाहिए, और वो रियल नंबर होना चाहिए। अब एक्स माइनस ए का मतलब हमारा रियल नंबर होगा, और वो किसका फैक्टर होगा, क्यू एक्स का फैक्टर होगा। तो क्यू ए हम ए में हम 0 भी रख सकते हैं, तो हो सकता है कि यदि 0 आए तो वो पूरी तरह से उसका फैक्टर होगा। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसमें एक हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो इसमें मैंने बोला है कि ये सी भी क्वाड, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर हम 2 होते हैं, तो x² - 5x और +6 हम इसको कर लेते हैं। अब यदि हमें पॉलिनोमियल में देखें इसके फैक्टर को देखें, तो आप देख लीजिए इसके सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू देखते हैं कि जिसकी जो वैल्यू वो फिक्स होती है, और फिर हम इस वाली वैल्यू में देखते हैं इसका कोफिशेंट्स क्या है। तो इसका कोफिशेंट्स क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 × 6, इसको मल्टीप्लाई करके देख ले तो क्या आएगा 6। अब 6 के आपको पता है 6 के फैक्टर हमारे, मैंने अभी पता है इसका 1 1 हो सकता है, और हमारा 2 क्योंकि 2 के टेबल में आएगा, 3 भी हो सकता है इसका, फिर हमारे इसमें 6 भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। इसी तरह से हम इसमें जब 6 है पॉलिनोमल, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें कुछ भी सपोज करो हमने इसमें 1 रख के, इसमें आप इसमें 2 रख के देख लेते, तो x की वैल्यू हम बराबर सपोज कर हमने 2 उसको रख के देख लिया, तो इसके कैसे रखेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा तो वहीं पे हम क्या कर लेंगे, इसकी सबकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इसका हम इसको किस तरह शो करते हैं, पी एक्स, एक्स की वैल्यू कितना कर 2, तो इस तरह से हमने शो करा। अब देखो कितना करेगी, फिर एक्स की जगह 2 रख देंगे, 2² - फिर 5 आएगा, फिर एक्स की जगह 2 रख देंगे और फिर प्लस आ जाएगा 6, तो कितना आएगा 2² आएगा 4, और फिर आएगा ये -10 और ये आएगा +6, तो कितना आ जाएगा, तो आप इसमें देख लीजिए। तो इसमें से इसमें क्या आएगा कि मतलब 4 और -10 है, तो क्या -6 आएंगे, +6 आएंगे, तो कितना आएगा इसमें 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो x है, x बराबर में 2 रखा है, इसका मतलब x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, पूरी तरह से इसका फैक्टर होगा इस वाली इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें स्क्वायर होता है, या हम इसमें फिर हम 3 भी देख लेते हैं, 2 भी देख लेते हैं, तो किस तरह से हम इसको देखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू क्या रख, 3, एक्स की वैल्यू 3 रख के देख सकते हैं। तो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था, x², फिर हमारा आया था -5x और प्लस आएगा था हमारा 6। तो अब हमने x की वैल्यू कितना कर लिया, x बराबर, तो कितनी वैल्यू कर लिया हमने, सपोज करो हमने 3, क्योंकि 3 भी इसका फैक्टर है, तो हम चाहो जहाँ पे हमारा x है तो वहाँ पे 3 की वैल्यू रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3² फिर -5 और फिर x की जगह 3 रख लेंगे, फिर प्लस आएगा 6 आएगा, तो हमें के 3 3 की स्क्वायर क्या 9 होगा, और माइनस कितना आएगा, ये कितना आएगा 3 3 5 जा कितना आएगा हमारा 15, और ये कितना आएगा +6। अब हमारा आएगा कितने कि 9 15, अब 15 माइनस के हैं और ये इतने के हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 और +6, तो इसी से कट जाएगा, कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि x हो गया x - 3 = 0, इसका मतलब ये भी इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक का, जो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, तो उसमें ही हम वो हमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये इसकी थ्योरम होती है। अब हमें पता चल गया कि इसके दोनों ही फैक्टर होंगे x - 3 और x+3। यदि हमारा इसमें आंसर 0 आ जाए, मतलब पूरी तरह से कट गए, तो वही उसके फैक्टर होंगे। अब यदि हम इसको डिवाइड करके देखें तो पूरी पूरी तरह से ये कट जाएगा। चलते हैं हम इसमें। अब जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन की जो हमारी दूसरा, एक तो हमारा फैक्टर था, फैक्टर थ्योरम आ गया,
दूसरा हमारा है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हमने जो भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल को हमें बीस में से इसको ब्रेक करना है। जैसे हमारे जो इक्वेशन है, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो बीच की टर्म है, तो बीच वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा और फिर हम इसको उसके फैक्टराइजेशन के कर सकते हैं। तो सपोज करो कि हमने कोई भी हमारा पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो हमारा है 2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर हमारा 7x और प्लस आएगा 3। तो अब हमें से क्या देखें, तो हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू देखेंगे 3 और 2। तो 3 और 2 यदि इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 है तो 6 के फैक्टर आपको पता है, तो 6 के फैक्टर कौन सा आएगा, कोई 1 भाई 1 1, यदि हम 1 की टेबल लगे तो 6 बार में जाएगा 2, 2 की टेबल में कितना जाएगा हमारा 3 में, 3 में जाएगा 2 की टेबल में, 6 में 1। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो यदि हमने कांस्टेंट और जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसके कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि 2 × 3 = आया 6। तो मल्टीप्लिकेशन करके तो 6 आना चाहिए और सम करके क्या आना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए। इसका मतलब जो मिडिल वैल्यू हमारा 7x है, तो हम इसको स्प्लिट करना है। तो इसके कौन से एक्स फैक्टर है भाई, 2/3 तो नहीं आ रहा इसका आंसर, ये प्लस करके 7 नहीं आ रहा, 3/2 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो 6 6 6 1 ये आ सकता है। और सबसे पहले हम कह लेंगे 1 और 6, तो क्या आना चाहिए 1 और 6 हमारे क्या आ जाएगा, हमारे 6 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, प्लस करके क्या आएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर फिर प्लस क्या आएगा 1 और प्लस 6, तो इसमें हमने इसको स्प्लिट कर दिया 1 + 6 में कर दिया, और यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा प्लस 3। अब इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर फिर प्लस, फिर x की इसमें कर देंगे 1 में गुना आएगा तो यहाँ पे आएगा x आएगा, फिर प्लस, फिर 6 की x में कर देंगे तो आएगा 6x और यहाँ प्लस आएगा 3। अब आपको देखना है कि इसमें ऐसा क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, तो हमें तो कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 2x और इसमें क्या आ जाएगा 1। अब हमें जो भी वैल्यू यहाँ पे हमारे 2x प्लस है तो इसमें भी आनी चाहिए। अब इन दोनों में क्या आएगा, दोनों में यदि हम इसमें मतलब इसमें कॉमन ले तो कॉमन आ जाएगा 3, यदि हमने इसमें 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6x और 3 × 1 = 1। तो इसका मतलब देखो, आप देखिए 2x + 1 और 2x + 1। अब हमें क्या आ जाएगा 2x + 1 और यहाँ पर कितना बचा x + 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसके दोनों के फैक्टर होंगे, कौन से इसके, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, क्योंकि हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर को निकाल दिया। अब आगे चलते, अब हम आए फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूब पॉलीनोमियल। अब फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब पॉलीनोमियल जिसकी पावर हमारी 3 होती है, तो हम इसमें जो स्प्लिटिंग किया था हमने, मिडिल जो टर्म होती है वो अप्लीकेबल नहीं होगी इसमें पॉलीनोमियल में, इसके लिए हमें जरूरत होगी कम से कम एक फैक्टर जरूरत होगी, तो तभी हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलीनोमियल को कि वो एक प्रोडक्ट टर्म बन जाए और वो एक फैक्टर बन जाए और दूसरा एक क्वाड्रिक पॉलीनोमियल बन जाए। तो इसको हम सोल्व करेंगे फिर किसमें, जिस तरह से हमने क्वाड्रिक पॉलीनोमियल में किया था सेम उसको इस तरह से करें। सबसे पहले हमें फैक्टर की जरूरत होगी, तो हम इसमें एक कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं x³, फिर हमारा इसमें आएगा +13x सपोज करो, फिर हमारा 32x और फिर प्लस आएगा हमारा 20। अब आप इसमें देख लीजिए कि जो 20 है और ये यहाँ पे 1 कोफिशेंट है, तो कितना आएगा 20, तो 20 के यदि हम फैक्टर करके देखें तो हमारे इसमें क्या है 1 1 से कटेंगे तो 1 की टेबल में आएगा, फिर 2 2 की भी टेबल में भी आएगा, फिर 4 की टेबल में आएगा 5 करके, और 5 4 जो इतना आएगा, और फिर कितना 10 की टेबल में भी आएगा 10 2 जा, और फिर हमारा 20 की टेबल में भी आएगा। तो हम इसमें कुछ भी वैल्यू सपोज करो, हमने किसी भी कोई वेरिएबल रख दिया भाई एक्स प्लस कितना कर लिया हमने सपोज करो, इसमें 1 रख के देख लिया, और बराबर ये क्या हो जाएगा एक लीनियर पेयर है, तो हम क्या रख लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो हम यदि इसमें इक्वल के बराबर लेंगे तो -1, इसका -1 हम इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं कि ये इसका फैक्टर है नहीं है, तो हम क्या कर माइनस वाले कर लेंगे -1³, फिर प्लस आएगा, फिर हमारा 13, फिर हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा स्क्वायर है, फिर इसमें हमारा 1 - 1 के स्क्वायर, फिर प्लस हमारा 32x और फिर प्लस कितना आ जाएगा हमारा 20, तो इसमें 1 की जगह ये -1 आएगा। अब यदि हम इसमें देख लेंगे तो यहाँ पे -1 वैल्यू आई, फिर यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे आ जाएगी हमारी +13 आएगा, क्योंकि इसके क्यूब करके 1 ही आएगा, फिर हमारे इसमें कितना आएगा भाई +−−, अगर 1x है तो -32 आएगा, और फिर प्लस आएगा 20। अब हम देख लीजिए कि हमारा देख लेते हैं कि -1 और -32, तो -33 और क्या ना +13 और प्लस
20 तो कितना का प्लस 33, तो इसका मतलब इसको माइनस हो जाएगा तो कितना का 0। ये इसका मतलब क्या होगा कि जो x प्लस 1 है ये इसका प्रॉपर इसका फैक्टर है। अब इसको क्वाड्रेटिक में हम किसको एक तरह से एक लॉन्ग डिवीजन में हम इसको माइनस वो करके देख लेते हैं, डिवीजन करके देख लेते हैं। तो इससे कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है कि एक्स प्लस वन एक फैक्टर निकल गया तो दूसरा कैसे निकालेंगे, तो उसको हम डिवाइड करके निकालेंगे एक्स की 3, फिर हमारे इसमें आएगा प्लस 13x, फिर प्लस आएगा 32x और फिर प्लस आएगा 20। अब हमें क्या करना है कि इसमें तो मतलब किसकी वैल्यू करें कि x की क्यूब आ जाए, तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे x की स्क्वायर कर लेंगे, इसकी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं x की 3 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे x की 2, ये भी 2 है। अब देखो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, ये कट जाएगा भाई माइनस थ्री से एक्स एक्स की क्यूब एक्स की क्यूब चला जाएगा। अब 13x और इसमें से क्या घटाना है एक्स स्क्वायर, तो कितना यहाँ पे 1 है सपोज के, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर बच गया। अब प्लस उतार लेंगे 32x। अब हमें क्या करेगी इसमें 12x क्या मल्टीप्लाई करेगी ये इसमें बन जाए मतलब 12x स्क्वायर, इसका मतलब हम किस में कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो 12x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर और प्लस कितना जाएगा हमारे यहाँ पे 12x। आप इसको फिर डिवाइड कर लो, अब 12x स्क्वायर और ये तो हमने माइनस चेंज कर दिया तो ये दोनों कट गए। अब प्लस माइनस, अब इसमें से कट जाएंगे भाई 32 में से 12 गए तो 20x, और उतार लेंगे फिर 20। अब 20x है तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 20x आ जाए, तो क्या करें हम 20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20x और प्लस फिर आएगा 20। अब इसमें चिन्ह इसमें से हमने वही सेम कर देंगे हम, सॉरी ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 20x और यहाँ पर प्लस 20। अभी माइनस करते हैं तो 20x में से गई है और 20x में तो क्या है 0, इसका मतलब ये भी इसका पूरा एक तरह से इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें इससे पता चल गया हम इसके दो फैक्टर निकलेंगे किसके, इस वाले इक्वेशन के, तो ये मल्टीप्लीस किए आ जाएंगे तो x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, उसके कौन से फैक्टर निकले जो हमने डिवाइड करके निकले क्वाड्रेटिक, एक तो क्वाड्रेटिक बन गया और एक हमारा उसका फैक्टर बन गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20 जो हमने अभी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन करके इसको निकाला था। तो फैक्टर जो फैक्टराइजेशन जो थ्योरम है पॉलिनोमियल की ये थी। तो चलते हैं हम आगे दूसरी वाली, और अब हमारा ये है इसमें एक थ्योरम है आइडेंटिटीज है इसकी एलजेब्रिक की, तो हम इसमें जो फार्मूलाज हैं जो हम जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें क्या होंगे प्रॉपर हम इसमें मतलब क्वेश्चन पे हम इसको पूरी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम इसके फार्मूलाज देख लेते हैं, तो हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें यदि करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमारा x माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमारे इसमें फार्मूलाज है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको दो में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, फिर हमारा है x प्लस ए और x प्लस बी, तो हम इसको किस तरह से जैसे हमने अभी फैक्टर करे थे इसके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी जैसे हमने सिक्स को तोड़ा था 1 और 6 में x और ए बी, फिर हमारा तीसरा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड और प्लस 2zx, फिर हमारा है x प्लस वाई की क्यूब, तो इसको किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x और इसमें ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, फिर हमारा x माइनस वाई की हो क्यूब, तो x की 3 माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस y की 3 पे माइनस 3x और x माइनस वाई, फिर हमारा है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब तो माइनस 3xy z, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z, तो फिर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस z और फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस वाई, देखो जो क्यूबिक होगा तो हमारे x में क्वाड्रिक में जाएगा, तो क्वाड्रिक हमारा जिसमें हमारे स्क्वायर आएगा एक लीनियर में जाएगा जो हमारे इसमें पहली वाली है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हमारा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इसकल 0 तो देन हमें क्या इसकी वैल्यू इसको पुट करना है। अब हम जैसे अब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सब ये फार्मूलेज आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यदि ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए 2.1 के साथ मिलते हैं, थैंक यू एंड टेक केयर।